दो महात्मा थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, चलते चलते निर्जन जंगल में पहुंच गए। गंगा जी का किनारा था, वो बिहड़ जंगल था। वहां एक जंगल में मैदान जैसा था, पठारी क्षेत्र था। वहां एक हनुमान जी की चौतरा पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी, किसी काल में किसी महात्मा ने विराजमान कर दिया होगा, वहीं बैठ गए। तो वो दोनों महात्मा वहां रुके। एक महात्मा ने वहां जंगल से लकड़ी उकड़ी काट करके थूमा गाड़ के और ऊपर छाया कर दी, पत्ता वत्ता डाल के छाया कर दी कि हनुमान जी को धूप न लगे। और दूसरे महात्मा ने कहा, रे वहां तो ठीक नहीं, तो उन्होंने वृक्षों की छाया में, वो वहां काम में लगे, वो यहाँ काम में लगे। इन्होंने कहा मूर्ति को उठा के लाएंगे और यहाँ वृक्षों की छाया में थोड़ी हवा भी लगेगी, ठंडक भी रहेगी, और जब हनुमान जी का मन हुआ तब गंगा जी में गोता भी लगा लेंगे, ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा हनुमान जी को। उन्होंने वहां एक चबूतरा बना दिया और यहाँ जो पुराना चबूतरा था उसके चारों ओर महात्मा ने लकड़ी गाड़ के छाया कर दी, झोपड़ी बना दी। अब वहां हनुमान जी की मूर्ति उठाने आए तो वहां तो दृश्य बदल गया था, नक्शा ही बदल गया था, तो छाया हो गई हनुमान जी। अरे बोले, तुमने बहुत बुरा काम किया। क्या बुरा किया? बोले, जंगलों में आग लगती रहती है, वो आग लग गई तो ये झोपड़ा जलेगा, हनुमान जी तब तक जाएंगे तब तक कितनी आग लग जाएगी हनुमान जी को। वो भोले संत के मन में ये विचार नहीं आया कि जो लंका जला सकते हैं, लंका दहन करने वाले हनुमान जी के भला क्या आग लगेगी। बोले, नहीं, हनुमान जी को आग लग जाएगी ये तो ठीक नहीं, झोपड़ी जल जाएगी, हनुमान जी जल जाएंगे, ये तो ठीक नहीं, इसलिए हमने गंगा जी के किनारे वृक्षों की छाया में चबूतरा बनाया है, आग लगने का बारी आवेगी तो हनुमान जी कूद जाएंगे गंगा जी में। बोले, नहीं, अब हमने इतनी मेहनत की है, झोपड़ी बनाई है, हम यहाँ से नहीं उठाने देंगे। दोनों में प्रेम था और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, फरसा कुल्हाड़ी उठ गई। हनुमान जी भोले भाव पर रीझ गए और हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी बोले, देखो ऐसा है कि देखो अभी तो झोपड़ी ठीक है, हम झोपड़ी में रहेंगे और जब हमको रात बिरात बढ़िया गंगा जी की सीरी सीरी हवा लेने की इच्छा होगी तो वहां मैदान में चबूतरे पे जाके लेट जाएंगे और कभी आग लगेगी तो गंगा जी में वहीं से कूद जाएंगे, हम दोनों जगह यहाँ भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। हाँ तब ठीक है, देखो तुम लोग झगड़ा मत करो, प्रेम से जाओ। अब महात्मा तो दोनों, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं कि नहीं?